नमस्कार, कुक विद बबली में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। ये फलाहारी खीर है, इसे व्रत में खाते हैं। और जो छोटे बच्चे जिन्हें दूध के साथ माँ के दूध के साथ साथ सॉलिड फूड दिया जाता है, उन्हें भी आप ये खीर खिला सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक कटोरी खीर ये साबूदाना लिया है और इसी कटोरी से साबूदाना मेजर किया है। आधा कटोरी मैंने चीनी ली है और ये 5 कटोरी दूध की। अगर आप छोटे बच्चे के लिए खीर बनाते हैं तो दूध 4 कटोरी ही लें। साबूदाने को अच्छे से पानी में धो लें। इसमें स्टार्च मिला हुआ होता है, तो इसे जब तक धोएं जब तक इसका सफ़ेद पानी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि स्टार्च होता है तो धोने से सफ़ेद पानी निकलता है। और इसे 8 बार 9 बार कम से कम धोएं, पूरा सफ़ेद पानी निकाल दें। अगर स्टार्च रह जाएगा तो खीर अच्छी नहीं बनेगी। और इसी दूध में से 1 कटोरी जितना साबूदाना है उतने दूध में आप साबूदाना भिगो दें। ये देखिए, ये मैंने भिगो के रखा हुआ है। इसे भिगे हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं और अब मैं बनाऊंगी साबूदाने की खीर। सबसे पहले दूध को उबलना रख दें। ये देखिए, दूध उबल गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये दूध में ही भीगा हुआ साबूदाना। गैस को आप मीडियम टू हाई रखें और इसे लगातार चलाते रहें। साबूदाना बहुत जल्दी तली के साथ चिपकता है, इसलिए आप जब भी इसमें चम्मच से हिलाएं तो नीचे तली तक चम्मच को घुमाएं। ये साबूदाने की खीर पक गई है। आप देख सकते हैं इसका ये साबूदाना एकदम से ट्रांसपेरेंट हो गया है और ये दूध भी गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें मैं डालूंगी ये आधा कटोरी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कोई ड्राई फ्रूट भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई ड्राई फ्रूट ना डालें। ये देखिए कितनी बढ़िया खीर बनी है, कितना अच्छा टेक्सचर है, एकदम गाढ़ी क्रीमी। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इसे ट्राई जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर मुझे बताएं कि आपकी खीर कैसी बनी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पे शेयर करें। सो खाते रहें, खिलाते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें कुक विद बबली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।